हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग हमारी ये ब्राउनी बनी है और झट से बनने वाली रेसिपी है। तो देखते हैं यह किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक केक टिन लिया है, इसे मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। आप चाहें तो ड्राई मैदा होती है उसे भी आप इस पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे बटर पेपर लगा रही हूँ। इससे जो हमारी ब्राउनी है इजी तरीके से रिमूव हो जाएगी। अब मैं बटर पेपर के ऊपर भी ये घी से ग्रीस कर दूँगी और इसे अब हम साइड से रखेंगे। अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। मुझे यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसे डबल बॉयलर मेथड कहते हैं, जिससे हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के लगभग डार्क चॉकलेट ली है और इसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। इसे अब हम मेल्ट करेंगे, इसे हम चलाते रहेंगे और ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है। अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो 30 सेकंड पे पहले उसे गर्म करें, बीच में उसे चला लें, फिर से 30 सेकंड के लिए गर्म करें। ये माइक्रोवेव में आप गर्म कर सकते हैं और आप देख सकते हैं चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब मैं इस स्टेज पर 2 चम्मच बटर डाल दूंगी। बटर डालने से जो हमारी चॉकलेट है काफ़ी शाइनिंग आ जाएगी। बाउल थोड़ा सा गर्म हो गया था, इसलिए मैं इसे कपड़े से पकड़ लूँगी और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती। और आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है, काफ़ी शाइनिंग आ गई है और इसमें एक भी लम्प्स नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया तरीके से हमारी चॉकलेट मेल्ट हुई है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसे साइड से रखेंगे जिससे यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए। चॉकलेट थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें से 2 से 3 चम्मच अलग से एक बाउल में निकाल दूंगी। ये हम आगे प्रोसीजर में यूज़ करेंगे। अब बाकी की जो चॉकलेट है उस पर हम काम करते हैं। मैंने यहाँ पे एक छलनी ली है और इसमें मैं 1 कप मैदा को छान लूँगी। हमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स लेने हैं सारे छान कर लेने हैं, जिससे मोटे पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। अब मैंने 1/2 कप चीनी ली है, मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी का यूज़ कर रही हूँ। और आप जब भी ब्राउनी बनाएं इसी परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएं। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे मीठा सोडा ले रही हूँ। 2 चम्मच हम यहाँ पे चॉकलेट पाउडर लेंगे और हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे और जितने भी मोटे पार्टिकल्स हैं इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आपको लग रहा है ये ड्राई है, लेकिन अभी हम इसमें दूध डालेंगे, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमें ये मिक्सचर बनाना है। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है और इसमें से मैंने 1/2 कप दूध मिक्सचर के अंदर डाल दिया है। हमें दूध को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर हम ये दूध डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी का दूध भी मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी आपको लग रहा है इसमें लम्प्स हैं, मैं लेकिन इसे लगातार बीट करूंगी जिससे यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल लम्प फ्री हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी है। अब मैंने यहाँ पे कुछ चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें काजू, पिस्ता, बादाम है। आप चाहें तो चोको चिप्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, बाकी के मैं गार्निशिंग करूँगी। और मेरे पास ये चॉकलेट सेव है, मैं इसे भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर वनीला एसेंस डाल दूँगी और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो केक टिन को तैयार किया था ये मिक्सचर अब हम केक टिन के अंदर डाल देंगे
और जैसा कि मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को ऊपर से गार्निशिंग कर दी है, इससे जो हमारी ब्राउनी है उसका जो टेक्सचर और कलर है काफ़ी अच्छा आएगा। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे चॉकलेट सेब डाल रही हूँ। इसे एक से दो बार हमें टैप कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक भगोना प्री हीट करने के लिए रख दिया था। लगभग 10 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पर प्री हीट किया है और इसके अंदर मैंने ये जाली रखी हुई है। इसके ऊपर हम ये केक टिन रख देंगे और लगभग 45 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। अगर आप इसे ओवन में बनाते हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसे पहले प्री हीट करें और लगभग 30 से 35 मिनट तक आप उसे बेक कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इसे भगोने में बना रही हूँ। लगभग 45 मिनट्स हो चुके हैं और मैं आपको ये ब्राउनी दिखाती हूँ। जब भी हम इस तरीके से चेक करते हैं तो हमेशा सेंटर से करना चाहिए। और आप देख सकते हैं नाइफ बिल्कुल क्लीन है और मैं इसे एक से दो जगह से और इसे चेक करती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुकी हैं, पहले हम इसकी साइड हटा देते हैं, इससे जो हमारी ब्राउनी है अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है और इसके ऊपर मैं इसको निकाल दूँगी। कितनी बढ़िया तरीके से हमारी ब्राउनी निकली है और इसका जो बटर पेपर है उसे हम हटा देंगे। अब मैं दूसरी प्लेट लूँगी और इस तरीके से मैं इसको सीधा कर दूँगी। कितना परफेक्ट टेक्सचर है और कितनी बढ़िया हमारी ब्राउनी बनी है। अब हमने 2 से 3 चम्मच जो चॉकलेट सिरप निकाला था उसमें मैं 1 से 2 चम्मच के करीब गर्म दूध डाल दूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे एक चॉकलेट गनाज बना रही हूँ जिससे मैं ब्राउनी को गार्निश करूँगी। बिल्कुल परफेक्ट। अब मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग लिया है और इसके अंदर मैं ये ग्लास डाल दूँगी। और मैंने ये कॉर्न बना लिया है, इसका आगे से मैं छोटा सा कट करूँगी और मैं इसको इस तरीके से ब्राउनी को गार्निश कर दूँगी। वैसे तो ये ऐसी ही अच्छी लग रही है, थोड़ा सा मैंने इसमें चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए इसे ऊपर से गार्निश कर दिया है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी ब्राउनी बनी है। अभी से इतनी टेम्पटिंग लग रही है, मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कितनी स्पॉन्जी हमारी चॉकलेट ब्राउनी बनकर तैयार हुई है। कट करने से पता चल रहा है कितनी परफेक्ट हमारी ब्राउनी बनी है और बहुत ही स्पॉन्जी बनी है। इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी और लुकिंग देखकर लग रहा है कि हमने ये मार्केट से बनाई है। आप इसे किसी गैस के सामने भी बना सकते हैं या कभी बच्चे जिद करते हैं तो आप इस तरीके से ब्राउनी को बना सकते हैं। और मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट और कितना स्पॉन्जी हमारा ये ब्राउनी बनकर तैयार हुई है, एकदम बढ़िया। तो आप इस रक्षाबंधन पे इस तरीके से ब्राउनी बनाइए और रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए और बनाने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।